वक्त मैं मौजूद हूँ सीतामढ़ी के सदर अस्पताल में। यहाँ पर नानपुर थाना का एक मामला है और महिला जब देख रहे हैं यहाँ पर लेटी हुई है, क्योंकि इनका आरोप है कि कल DSP सर या इंस्पेक्टर सर इनके घर पर फर्ज बयान लेने गए। जब फर्ज बयान लेके निकल रहे थे और उनके निकलते ही इनके ऊपर मतलब हमला किया गया है, चाकू से, रॉड से, जैसे भी हो, जो ये अपना हाथ पैर सब दिखा रही है। जानते हैं कि आखिर इस झगड़े का शुरुआत कैसे हुआ, आखिर इनको इतना मार कैसे लगा है। क्या नाम हुआ, घर का है मनियारी थाना नानपुर। आपने कहा कि कल आपके दरवाजे पर इंस्पेक्टर सर शायद फर्ज बयान लेने गए थे, उनके निकलते आपके साथ मारपीट हुआ। अच्छा, कौन सब किया मारपीट, थोड़ा जोर से बोलिए। अच्छा, वो लोग आपके साथ मारपीट किया। अच्छा, इससे पहले क्या हुआ था? इससे पहले मेरी लड़की गुलगप्पा लाने गई थी, पता नहीं बच्ची ने पूरा बदर में टर छोड़ दिया है, गुलगप्पा छीन ली, उसको थप्पड़ पर लगे मार दे, जिसके कारण मैं खाना बना रही थी, मेरे घर पर कोई भी नहीं थी, उसको मैंने बोला मेरे बच्चे क्यों मारे, इसीलिए इस नाम आया, मेरा बाल पकड़ के घिसकर जमीन पर पटक दिया और जाकर लाकर गुस्सा से लगा मारने, जिसके कारण मेरे 3 महीने का बच्चा नुकसान हो गया। अच्छा, तो मतलब आपका 3 महीने का बच्चा नुकसान हो गया, तो आप केस लिए थे, इसी का जांच करने मध्य इंस्पेक्टर सर आपके यहाँ आए। जी, मैं कल शाम में 4 बजे करीब आई थी मेरे घर पे, आप बयान लेके जैसे दिखे घर से बाहर निकले, आप पता ना उसमें कोई उसके साथ कोई था जो उसे क्या बोला नहीं बोला, जाकर के साथ में आया था, जैसे गाड़ी खुली उसे चाकू आग निकाल के आग लगा, मैं हम लोग को वार करने जिसके पेट में चाकू मारने वाला था, मैंने हाथ से रखी तो मेरे हाथ पे चाकू लग गया और रॉड से यहाँ पे मारा, जिसके कारण मेरा हाथ दर्द हो गया, सब सबको रॉड से मारा, मैंने जलवाली को भी मारा, मेरे नंद सबको मारा, मैं सब इसी अस्पताल में उसका भी फर्ज बयान ले सकते हैं। अच्छा, तो आपके साथ जो मारपीट किया उनको तो अभी तो आप लोग मारे होंगे? नहीं, मैं खाली हाथ में रोजे से थी, मैं खाना बना रही थी, मैं ऐसी खाली हाथ गई थी, उन्होंने जैसे निकला घर से मतलब फर्ज बयान देने के कारण उन्होंने रॉड और चाकू लेते हुए घर से निकला। तो फर्ज बयान लेने नहीं आते तो आप पर हमला नहीं होता? नहीं मैम, नहीं होता। आपके घर पर आप तीनों के अलावा और कोई था? कोई भी नहीं था, मेरे घर के एक दो आदमी थे जो पुत्री गए हुए थे, कुछ काम थी हम लोग का करम है इसलिए कोई काम था, तो इसलिए पुत्री गए हुए थे, मेरे घर पर कोई भी जेंट्स नहीं था, बस मैं 3 लेडीज थी और एक मेरी नंद बच्ची के लिए थी, आज मेरी जेठानी खाना बना रही थी और मैं रोटी बना रही थी। अच्छा, जब इंस्पेक्टर सर या DSP जो भी आपके यहाँ फर्ज बयान लेने गए थे, तो क्या वो आपके यहाँ भी गए थे और उनके यहाँ भी, या सिर्फ आपके यहाँ गए थे? नहीं, मैं तो बीमार थी, मैं रूम के अंदर थी, मैं नहीं देखी, लेकिन इतना जानती हूँ कि जैसे वो सर रूम से बाहर मेरा फर्ज बयान लेके निकले, उसके साथ जाकिर भी था, पता ना उसी में का कोई आदमी उसको खिलाफ क्या बोला नहीं बोला, उसके बाद से रॉड जाकिर की लड़की रॉड लेकर आया, जाकिर चाकू लेके आया, एक लड़की उसकी बदतर टाइपा लेकर आया जो वार करने लगी, मैं अचानक घर से गई थी। क्या आपको लगता है कि आपके मार के पीछे वो इंस्पेक्टर सर का हाथ भी है? जी मैम, उसमें का नानपुर थाना का तो एक इंस्पेक्टर है जिन्होंने 25-30 हज़ार घूस 2-4 दिन पे लेता है और उन्होंने इतना करवाता है। क्या नाम है उसका? उसका नाम प्रसाद है, प्रसाद जो है वही करवा रहा है उनको। मैंने ये भी बोला रात में जब मेरी मैं बोली कि आप घूस नहीं खाते, आप इंसान इससे पहले दिलाते तो मेरा ये हालत नहीं होता, उन्होंने बोला कि जाओ तुम इलाज कराओ, उसके बाद मैं कुछ भी करूँगा। उसके बाद जब मैं इलाज कराने आए तो उन्होंने जाकर तो कॉल किया कि नाटक करके तुम भी आ जाओ अस्पताल में, जिसके कारण जाकर और जाकर की लड़की सब मतलब नाटक करके गाड़ी भाड़ा करके नाटक करते हुए अस्पताल में वो भी शामिल हो गए। अभी जो कल आप लोग आपका जो अबॉर्शन मतलब बच्चा नुकसान हो गया था, तो इसको लेकर के आप केस किए थे कितना दिन पहले? 2 फरवरी को हुआ था मैम, अब मेरा छुट्टी हुआ 12 को फर्ज बयान दिए थे, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ मैम, इसी मतलब कुछ नहीं हो रहा, इसलिए कारण तो मेरा ये 2 दिन पे 4 दिन पे रोज इसी कारण हमें। क्या आप SP सर से मिलने गए थे या DSP सर से? DSP सर से मिलने गए थे एक बार, उन्होंने बोला था कि
कल भी कहा एसपी साहब को कॉल किया, उन्होंने बोला है कि मतलब कि हम भेज रहे आदमी को। अच्छा, लेकिन अब तक गिरफ्तार एसपी सर को आप कॉल किए हैं तो बोले हैं कि भेज रहे आदमी को, लेकिन अब तक गिरफ्तार नहीं किए हैं। आनंदपुर थाना का तो घूस खाता है, सिर्फ चलाता, उसको कुछ भी नहीं करता, पल पल का रिपोर्ट उसको देता है, बाकी कुछ नहीं कर पाता उसका। ये महिला जो नानपुर थाना की रहने वाली है, इनका डायरेक्ट आरोप है कि नानपुर थाना के एक इंस्पेक्टर है बीडी प्रसाद, जो सामने वाला से पैसा ले करके और इनके साथ कोई न्याय नहीं कर रहा है, और जो भी इनके साथ हो रहा है वो वही करवा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो 2 महीने पूर्व इनका 3 महीने का बच्चा नुकसान हुआ, आज तक वो लोग घूम रहे हैं, लेकिन कोई भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। और वो जो इंस्पेक्टर है वो उस लोगों को कहते हैं कि तुम भी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ ताकि हम तुम्हारा सहयोग करेंगे। जब एसपी सर से बात करती है तो एसपी सर कह रहे हैं न्याय मिलेगा, ठीक है भेजते हैं, लेकिन कल इंस्पेक्टर साहब को भी भेजे, और वहाँ उनके हटते ही इन लोगों पर जो हमला हो गया, आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा दिखाई है कि रॉड से मार लगा है और चाकू से वार किया गया है। तो ऐसा होता रहे, हर पुलिस वाला हर थाने में सिर्फ पैसे वाला का मदद करता रहे तो आखिर गरीब कहाँ जाएगा? क्या पैसों वाले के लिए ही थाना खुला है, पैसे वाले के लिए ही एसपी डीएसपी है, क्या गरीबों के लिए कुछ नहीं है? तो सरकार को ऐसे पुलिस को बंद, थाना पुलिस को बंद कर देना चाहिए। पैसे वाले तो ऐसे भी होते हैं, किसी गुंडे को रखकर किसी पर हमला करवा सकते हैं, लेकिन गरीबों के लिए ही थाना पुलिस होता है ना। जब आदमी कमजोर होता है तो प्रशासन का सहारा लेता है, लेकिन अगर प्रशासन ही बिकने लगे तो आखिर गरीब का क्या होगा, गरीब जाएंगे कहाँ? इनका आप देखिए कि एक फोटो दिखाई है जिनमें इनकी बेटी का मुंह भी पूरा जो देखिए कि फ्रैक्चर कर दिया है, और इनका हाथ देखिए कि किस प्रकार से मार कर और इधर से चाकू घुसे वार कर दिया है, लेकिन कोई भी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। हम विनती करते हैं प्रशासन से कि इनके मामले को जो खुद अच्छे से जांच करे, और जो भी दोषी हो, भले अगर यही दोषी हो तो इन्हीं को सजा मिले, लेकिन इस मैटर को अच्छे से जांच करे ताकि इंसाफ मिल सके।